सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ जी की भूमि और भगवान लिंगराज की नगरी भुवनेश्वर में आकर खुद को मैं धन्य महसूस कर रही हूँ <laughs> और विशेष रूप से मैं ऑर्गस ग्रुप की सभी टीम को और मान्य मेरे बड़े भाई मेरे मार्गदर्शक हमारे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र भाई प्रधान जी को और मृद्रा जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमेशा से ही कॉन्क्लेव हो या विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हो ये जाकर करने के लिए हमेशा से ही प्रयास किया है और उनका कहना है कि इस तरीके के चर्चा बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉन्क्लेव एक नई दिशा देते हैं और जब भी ऐसे कॉन्क्लेव होते हैं तो आपने सुना अभी प्रोफेसर आचार्य जी को प्रोफेसर बिसोई जी को कि उन्होंने कई बातों पे प्रकाश दिया कि आज की आवश्यकता क्या है आज का हेल्थ सेक्टर का, का काम कहाँ जाना चाहिए और जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया सिखाया कि नहीं सिखाया कि नहीं देखो जिस देश में पीपी किट ना बनती हो मास्क ना ही वेंटिलेटर ना बनता हो आज वही हमारा भारत देश एक्सपोर्टर बन गया है एक्सपोर्टर बन गया है देखो ये उपलब्धि और जब ये करने की क्षमता हम में है ये ताकत हम में है तो इस ताकत को हमें और बढ़ाना है ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और आप हमने सभी देखा कि हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है कि भारत अब G20 की अध्यक्षता कर रहा है एक दिसंबर से उन शक्तिशाली देशों के साथ भारत ने इस अध्यक्षता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारा संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम वसुदैव कुटुंबकम कुटुम्बकम देखो ये कंसेप्ट ही कितनी बड़ी है हमारी संस्कृति हमारी विरासत ये कहती है कि हमें दूसरों के लिए भी करना है वन फैमिली वन अर्थ एंड वन फ्यूचर ये जब सोच रखते हैं तो ये भारत की सक्षमता को दिखाना भी है कि हम तो हमारे लिए काम तो करेंगे लेकिन हम और देशों के लिए भी सेवा करेंगे और ये दिखा दिया है करोना में हमने ये दिखा दिया है संजय जी हमने ये करके भी दिखाया कि जिस देश में पहले तो वैक्सीन आती थी वैक्सीन आती थी और जाते जाते गांव-गांव तक पहुँचते पहुँचते दो तीन साल भी लगते थे आप देखिए थोड़ा हिस्ट्री में जाइए लेकिन जब कोरोना का संकट आया और जब वेल डेवलप्ड कंट्री के सामने आया कि आप क्या चाहे वो मेडिसिन हो ट्रीटमेंट हो वैक्सीन हो लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वास दिलाया उन्होंने कहा कि अब भारत में कमी नहीं है न ब्रेन पावर की ना मैन पावर की ये वैक्सीन बनेगा तो भारत में बनेगा बजट भी दिया एक्सपर्ट का ग्रुप भी बनाया साइंटिस्टों का हौसला भी बढ़ाया और आज भारत 219 करोड़ का वैक्सीनेशन सक्सेस ड्राइव में करके एक बेस्ट एग्जाम्पल ये हमने दिखा दिया है तो अगर हम ये कर सकते हैं तो और आगे जाके वसुधैव कुटुंब की संकल्पना को हम जरूर साकार करेंगे और हमने ये दिखा के भी वैक्सीन तो दिया ही सौ से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट करा 150 देशों से ज़्यादा 150 से ज़्यादा देशों को हमने मेडिसिन भी दिए और आज जब हम ग्लोबल लेवल पे जाते हैं हम बातें सुनते हैं अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस सुनते हैं तो वहाँ जाके एहसास होता है